नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व बंधुत्वम इस पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। विश्व बंधुत्वम का अर्थ होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्सवे फेस्टिवल के समय, मतलब खुशी के समय पर, व्यसने दुख के समय जब समस्या होती तब, दुर्भिक्षे जब अकाल पड़ता है उस समय, राष्ट्र विप्लवे जब राष्ट्र पर संकट आता है उस समय, दैनंदिन व्यवहार च मतलब और दैनंदिन व्यवहार हर रोज के व्यवहार में, यह जो सहायता करोती जो मदद करता है, सह बंधु भवती वह बंधु होता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि बंधु भाई दोस्त रिश्तेदार वही है जो संकट में सुख दुख हर समय जो मदद करता है वही बंधु है। यदि इस दुनिया में, विश्व मतलब दुनिया में सर्वत्र हर जगह पर यथादृश भाव भवेत, इस तरह का यथादृश मतलब इस तरह का भाव मतलब विचार भावना, भवेत मतलब हो, मतलब इस तरह की भावना हो, तदा तब विश्व बंधुत्वम संभवती, तभी विश्व बंधुत्व संभवती संभव है, पॉसिबल है। मतलब जब पूरे दुनिया में हर एक के मन में दूसरे के लिए मदद करने की भावना हो तभी विश्व बंधुत्व संभव है, पॉसिबल है। परंतु अधुना मतलब अब निखिले संसारे, निखिले मतलब पूरे संसारे मतलब संसार में दुनिया में कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु आज कलहस्य कलह का झगड़े का अशांति का अशांति का वातावरण है, इस दुनिया में कलह झगड़ा का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मगर मनुष्य परस्परम आपस में एक दूसरे पर न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं। ते मतलब वे सभी जो मनुष्य, परस्य कष्टम दूसरों का दुख, परस्य मतलब दूसरों का, कष्टम मतलब दुख, स्वकीय मतलब खुद का, कष्टम मतलब कष्ट दुख, न गणयन्ति नहीं समझते गणना नहीं करते हैं, मतलब जो दूसरों का दुख है वो खुद का दुख नहीं मानते हैं। अपि च और भी समर्था देशा, जो समर्थ देश जो मतलब जो बड़े देश है वह असमर्थान देशान प्रति, जो असमर्थ देश है जो गरीब देश है कमजोर देश है उनके प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयंती, अनादर की भावना प्रदर्शयंती दिखाते हैं, मतलब उनका उपहास करते उन पर हंसते हैं। तेषाम उपरी और उनके ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम खुद का प्रभुत्व मतलब खुद का हक स्थापित करते हैं, मतलब उन पर खुद का हक जमाते हैं। संसारे इस दुनिया में सर्वत्र हर जगह पर विद्वेषस्य विद्वेष मतलब जलसी शत्रुता या शत्रुता का, हिंसा या हिंसा की भावना दृश्यते, मतलब हर एक के मन में एक हिंसा किसी को मारने की काटने की इस तरह की भावना दिखती है। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध भवती और उसकी वजह से जब तक झगड़ा चलता है तब तक विकास नहीं हो सकता है, तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, इसलिए देशानाम विकास देशों का विकास देशों का डेवलपमेंट अपि भी अवरुद्ध भवती रुक जाता है, देशों का विकास देशों का डेवलपमेंट भी रुक जाता है। यह महती आवश्यकता वर्तते, यम मतलब यह, महती मतलब बड़ी, आवश्यकता आवश्यकता वर्तते मतलब है यह बहुत बड़ी आवश्यकता है, यत कि एक देश अपरेन देशेन सह दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन निर्मल हृदयता से बंधुतायाः बंधुता से व्यवहारम कुर्यात् व्यवहार करना चाहिए, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ एक मित्रता के जैसा व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु और दुनिया के लोगों में, जनेषु मतलब लोगों में, यम भावना आवश्यक ही और यह भावना बहुत महत्वपूर्ण है। ततः उसके बाद ही विकसित अविकसित यो हो देशो यो मध्ये, जो विकसित देश है और जो अविकसित देश है उन दोनों देशों के बीच में एक स्वस्थ स्पर्धा भविष्य, एक हेल्दी स्पर्धा, एक कॉम्पिटिशन होगा। अभी विकसित का अर्थ होता है जो डेवलप हुई कंट्री है, और अविकसित मतलब जो डेवलप हो रही है, उन दोनों देशों में क्या होगी, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। सर्वे देशा सभी देश ज्ञान विज्ञान यो क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान और विज्ञान के फील्ड में, ज्ञान मतलब नॉलेज विज्ञान मतलब साइंस, इन दोनों फील्ड में जब मैत्री भावना मित्रता की भावना से सहयोगेन च और सहयोग से सहायता से समृद्धि प्राप्तुम समृद्धि को
प्राप्त करने में समर्थ भविष्यन्ति, समर्थ होंगे, कैपेबल होंगे। कब? जब वो एक दूसरे को अपना नॉलेज देंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, तभी। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। यहाँ कवि एक एग्जाम्पल दे रहे, जिस तरह से सूर्य चंद्र का जो प्रकाश है, उजाला है, सर्वत्र हर जगह पर एक जैसा, समान रूपेण एक जैसा प्रसरति, फैलता है। प्रकृति ही अपि, प्रकृति मतलब नेचर, अपि मतलब भी, मतलब प्रकृति भी, सर्वेषु सभी में समत्वेन समता के साथ व्यवहारति, व्यवहार करती है, मतलब नेचर कभी भी भेदभाव नहीं करता, ये गरीब है अमीर है ऐसा नहीं, सबको सेम देती है। तस्मात उस कारण से, अस्माभिः सर्वैः हमारे सबके द्वारा, परस्परम एक दूसरे के साथ जो वैर भाव है, जो शत्रुता है, उसे अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुता स्थापन करनी चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणम, विश्व का कल्याण, एतादृशी भावना भवेत, और विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत, इस तरह की भावना, इस तरह का विचार होना चाहिए। वो किस तरह का वचन है? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अयम निजः, यह अपना है, निज मतलब अपना, अयम मतलब यह मेरा है, परः वेति और यह दूसरे का है, गणना इस तरह की जो गणना है, इस तरह का जो समझना है, वो किसका है? लघु चेतसाम, जो नैरो माइंडेड लोग होते वो ही इस तरह से सोचते, मतलब यह मेरा है, यह उसका है, इस तरह से। उदार चरितानाम तू, मगर जो उदार चरित बहुत ही जनरस होते हैं उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव पूरी धरती ही, कुटुंबकम एक फैमिली है, मतलब जो उदार होते हैं उनके लिए पूरी धरती एक फैमिली, एक परिवार की तरह है। मगर जो कंजूस होते हैं, जो नैरो माइंडेड छोटे मन वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए यह मेरा है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ऐसी भावना होती है। तो इस तरह से आज हमने विश्व बंधुत्व इस चैप्टर का अभ्यास कर लिया है। आगे हमने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप वो देख लीजिए। धन्यवाद।